बेब को तुम बहुत पसंद आए हो। हाँ, तुम तैयारी पूरी रखो अपनी, डायरेक्ट निकाह करवाएंगे, सही? तुम आप होते कौन है कि आप मेरी बहन की शादी करवाए? बहुत पल निकल आए तुम्हारे, ये जो तुमने किया है ना, इसका जवाब तुम्हें हबीब देंगे। आपको जो करना है ना आप करें, अब्बा को हमारे खिलाफ करना है आप करें, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बहन की शादी मैं उस लड़के से नहीं होने दूंगी। तुम कैसे नहीं होने दोगी? हाँ, तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं करवा के रहूंगी ये शादी। अच्छे, तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई हो। हाँ, तुम अपनी बहन के लिए क्या करोगी? अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बहन के लिए अपने कदम जमा के खड़ी हूँ। मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी, और इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप मेरी एक बात सुन लें, जो आप मेरी बहन की शादी करवा रही है ना अपने रास्ते से पत्थर हटाने के लिए, सब समझ रही हूँ मैं। बेहतर होगा अगर आप अपने लिए नहीं करें। नहीं? Like you. Was I? आप तो रह नहीं दे, आपके अपने कोई बहन भाई नहीं ना, इसीलिए अगर बहन भाई होते तो आपको अंदाजा होता कि बहन भाई रिश्तेदार कितने जरूरी होते हैं, कितना हक होता है एक दूसरे पे, और इसीलिए जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मैं फोन करूंगी हबीब को। पता तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह है फहमी, लेकिन तुम अपनी लालच के चक्कर में सारी चीजें नजरअंदाज कर रही। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इस मामले से दूर रहो। आप दूर रहे हमारे घर के मामला से। पता नहीं मैंने ये बात आपसे कर ही क्यों ली, मुझे अपने घर के मामला ना आपसे डिस्कस ही नहीं करने चाहिए। मेरा काम तो तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। अब प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, ये बातें छोड़ो। आगे जी, आपका महान कॉलेज। वैसे खुश हो रही हूँ जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुम्हें। आप ना तो आज स्कूल से कॉलेज में पहली दफा कदम रख रही हो, मेरी तो दिल की चाहत पूरी हो गई। हाँ वो तो है। अच्छा वो तुम्हारा एडमिशन ऑफिसर, मैं जरा फीस जमा करवा के आपको। एक मिनट रुको सर, मैं कॉलेज की ना अपनी पूरी फीस खुद जमा करवाऊंगी। ये पैसे तो लेके ना। हबीब मुझे ये बताओ कि मुझे पता चला कि ये सब कुछ इतनी सारी से कैसे हो गया? तुमने कैसे सब कुछ जाने दिया भाभी के हाथ में? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस हो गया अभी। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था। वैसे अभी तुम हिम्मत मत हारो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब क्या हो सकता है? तुम क्या हम बहन भाइयों के सरों पे खड़ी रहोगी? जाओ जाके चाय बना के लेके आ जाओ। हम नहीं, नहीं ये फरमाइशें आप मुझसे ना करें, मैं आयशा नहीं हूँ, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। नहीं नहीं तुम बोलो, राहिला के सामने बीवी है मेरी, क्या मतलब इसी के सामने बात होगी सारी, बोलो। देखो मैं ये चाहती हूँ कि भाभी ना सारा बिजनेस अकेले हजम नहीं करे। बिजनेस में हम बहन भाइयों का जो भी हिस्सा बनता है ना वो हम सबको दे दे, और इसके लिए तुम जो भी करोगे ना मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हिस्सा सिर्फ मुझे और तुम्हें मिलेगा, सायका को नहीं मिलेगा। उसे नेक बनने का शौक है, वो आजकल बहुत नेक बनी घूम रही है, वो नेक बनी रहे। छोड़ो उस नेक बीबी को, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, उसका शौहर कितना लालची है, उसको अपने साथ मिला लो। क्यों? आता पैसा किसको बुरा लगता है? अगर आप दोनों भाई बहनों की इजाजत हो तो मैं कोई मशवरा दूं। हाँ हाँ बोलो राहिला। एक बात बताएं, आप इतने अच्छे से ऑफिस जा रहे थे, किसी को जानते तो होंगे वहां पे, किसी से जान पहचान होगी आपकी ऑफिस में? मैं
हाँ फावर अहमद जो मैनेजर हैं उनसे मैं रابطے में हूँ। मैनेजर से रابطے में है ना, तो उनसे कहें कि समीना भाभी कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, घरेलू औरत है। उनके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दें ऑफिस में, इतनी उलझा दें कि उनका पहला दिन ही ऑफिस में उनका आखिरी दिन हो जाए। ऐसे पता नहीं हमारे घर का अंदरूनी मसला है ये, अब वो क्या सोचेंगे, उनसे ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अभी क्या मुनासिब और गैर मुनासिब ऐसे हालात में, इसे भी ऑफिस का काम संभालना इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, और चीज़ें जितनी उलझी हुई होंगी उनके लिए सुलझाना उतनी मुश्किल होगी, वो घबरा जाएंगी, बस इतना ही करना है उन्हें। वैसे हबीब राहिला ठीक कह रही है, क्या करूँगा मैं? क्या हुआ स्टीफॉलर? पूंगा की कौन है खबर का गुस्सा करेंगे आप? जी अम्मा। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ अभी। रास्ते में क्या मतलब, तो ऑफिस में हो क्यों नहीं? काम कोई मजाक तो नहीं है ना? जी जी आप फौरन पहुंचो यहाँ पे। आता हूँ मुझे। लाफिश। क्या कह रही हूँ बड़ी अम्मी? गुस्सा कर रही हैं, कह रही है जल्दी ऑफिस आओ। आयशा मुझे एक काम था तुमसे। मुझे आगे ही बहुत काम है, तुम्हें मुझे काम दोगी? ऐसा कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, वो मेरी एक दोस्त शिफ्ट हुई है यहीं कहीं मोहल्ले में अहमद के घर के पास, पर मुझे तो अहमद का घर ही नहीं पता, अगर तुम बता दो तो। बाई जानब जाओ, तीन घर छोड़ के 14 घर। थैंक यू। अब वो दो रोटी ज्यादा डाल देना प्लीज, हो सकता है मेरी दोस्त भी आ जाए। के बल सॉरी, वो हमारे घर में तो होशो आवाज किसी बड़े के पास भी नहीं है, मैं तो फिर भी बच्ची हूँ। और बहुत बोल भी रही है बच्ची। हाँ वो आप जो अमेरिका से वेकेशन पे आई हुई है, उस लड़की को बुला ले। कौन? ज्यादा अनजान ना बनो, मुझे सब पता है। आप ना तुम्हारे वो नन्हे मुन्ने से मियाँ की नन्ही मुन्नी गर्लफ्रेंड शिप झाड़ू सही से लगा वहां से भी। कोई काम था मुझसे? नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं तो बेकार आदमी हूँ। अभी वो राहिला बता रही थी उसके किसी कजन ने तुम्हें अच्छी जॉब की ऑफर की है, कर लो। मेरा ख्याल है इस तरह अच्छी ऑफर को गवाना अकलमंदी नहीं है। हाँ मैं कर लूँगा वो जॉब, जाहिर है मुझे काम आता है, तो जिन्हें काम आता है उन्हें काम की कमी नहीं होती ना भाभी। हाँ बस ये कह रहा था कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। हाँ हाँ ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि फाखिर बच्चा है और आपको कोई तजर्बा है नहीं, मैंने भाई साहब के साथ वक्त लगाया है इस कारोबार पे, तो मुझे चीज़ों का ज़्यादा अंदाज़ा है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम,
तजर्बा तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है ना, फाखर को भी आ ही जाएगा। और तुम भी तो कोई सीखकर पैदा नहीं हुए थे, वक्त के साथ ही सीखा है। जाहिर है, काम करते करते ही काम आता है। मैं बस चाचा की हैसियत से चाह रहा था कि उसे कुछ सिखा दूँ तो मुझे बहुत खुशी होती। बाकी जॉब का मसला नहीं है, वो तो राहिला ने लगा दी है मेरी जॉब। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ज़रूरत हुई तो वापस तुम्हारे पास ही आएगा। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज घर आने में? क्या हुआ तुम्हें? ऑफिस से आ रहा हूँ, पिकनिक मनाने थोड़ी गया। मैंने तुम्हें कॉल भी कॉल्स की थी, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। डेड हो गई थी यार मेरे फोन की, लाल मेरी हो रही है। कुछ खाने के लिए बना हुआ है? लेकिन बड़ी अम्मी तो आ गई थी ना शाम को 4 बजे। नहीं नहीं, वो कुछ कागजात साइन कराने आई थी। मैं वहाँ पूरा दिन दिहाड़ी लगा रहा होता हूँ, फॉर हो रहा होता हूँ। मैं चला जाऊँ ऑफिस से तो फिर सभी उड़ जाएंगे। अच्छा, सॉरी इतने सवाल जवाब किया तुमसे, बस परेशान हो गई थी मैं। तुम थक गए होगे, आराम से बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बाकी सबने तो खाना खा लिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें कुछ और चाहिए? तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आखिर लो खाना खा लिया क्यों यार? खा लूँगी। तुम बैठो, 12 घंटे बाद खाना खा रहे हो। जिसकी भी कॉल आई ना तुम मिस कॉल देख के बाद में फ़ोन कर लेना, अभी सुकून से खाना खाओ। फाकर कौन है तुम? खाना खाओ, मैं देखती हूँ। चाची, क्या हुआ? नहीं इधर इधर आके खोलो यार, क्या हुआ? होश में आओ, क्या हुआ? मेरी बच्ची, क्या हुआ? सोचो, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? एनी, एनी, चुप, देख, एनी, एनी बच्चा, क्या हुआ, क्या हुआ? एनी, हम लोग अभी खाना ही खा रहे थे, इसको पता नहीं क्या हुआ। एनी, सारा दिन काम, क्या हुआ, ये होगा? अरे क्या हुआ बताओ, के साथ कौन है? जी मैं हूँ। आप कौन हैं इनके? आप इनके हस्बैंड हैं? जी मैं शॉन। इस उम्र में शादी की है आपने? माँ कहाँ है इनकी? मैं माँ हूँ सब। अब कैसी मेरी बच्ची? ठीक तो है वो, तबीयत कैसी है उसकी? इतनी सी उम्र में कैसे ठीक हो सकती है वो? आपको पता भी है वो प्रेग्नेंट है।